हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल रिटास तड़का में। और आज की मेरी रेसिपी है हल्की सी भूख के लिए। तो जब भी आपको हल्की सी भूख लगे तो 5 मिनट में बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं ब्रेड एग चीज टोस्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 4 ब्रेड। तो यहाँ मैं ले रही हूँ व्हाइट ब्रेड, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं छोटी सी कटोरी ले रही हूँ, कटोरी मैं उसी साइज़ की ले रही हूँ जो ब्रेड पे आसानी से आ जाए। तो इस तरीके से इसे बीच में रख के हम गोल काटेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें गोल काटनी है। और साइड की ये ब्रेड आप फेंके ना, इससे आप ब्रेड क्रम बना सकते हैं। तो सारी ब्रेडों को इसी तरीके से काट लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारी ब्रेडों को काट लिया है। तो यहाँ हमारा पैन गरम हो रहा है, तो हम ब्रेड पे हल्का सा बटर लगा लेते हैं दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड से हमें इन्हें हल्का सा सेकना है। गैस लो टू मीडियम रखें, इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा ही सेकना है। तो ये देखिए, ये वाली ब्रेड हमारी सिक चुकी है। इसी तरीके से सारी ब्रेड्स को सेक लेंगे। तो देखिए, सारी ब्रेड्स को हमने सेक लिया है। अब हमें चाहिए यहाँ एक अंडा। तो यहाँ मैं एक अंडा ले रही हूँ और इसे फोड़ के इसे अच्छी तरीके से हम फेंटेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अंडों को हम जितना अच्छी तरीके से फेंटेंगे ऑमलेट हमारा उतना फ्लफी बनेगा। तो फिर से पैन गरम कर लिया है और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बटर। गैस हमारा लो टू मीडियम फ्लेम पे है, तो बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें ये फटा हुआ अंडा डालेंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर हम कटी हुई बारीक प्याज और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप यहाँ चाहें तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे पलट के दोनों साइड से सेक लें। तो जब भी आपको भूख लगे 5 मिनट में झट से आप ये बना के खा सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, दोनों साइड से हमारी ऑमलेट सिक चुकी है। प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से एक अंडे की हम और ऑमलेट बनाएंगे। तो ये देखिए, दोनों ऑमलेट हमारे अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। तो जिस कटोरी से हमने ब्रेड काटी थी उसी कटोरी से हम बीच में इस तरीके से रख के दोनों ऑमलेट को काटेंगे। वैसे तो हम ऐसे ही इसको ब्रेड पे रख के खा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए हमने उसी शेप में इस ऑमलेट को भी काट लिया। दूसरी भी ऑमलेट काट लेंगे। और जो साइड की ऑमलेट है उसे आप चाहें तो अलग से ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, उसे भी साइड में रख देंगे। तो ये हमारी दोनों ऑमलेट तैयार है, ब्रेड तैयार है। अब हम लेंगे चीज स्लाइस। यहाँ मैंने 2 चीज स्लाइस ली है, इन्हें भी उसी कटोरी से हम काट लेंगे उसी शेप में और साइड की आप रख लें। चाहें तो इसी ब्रेड के बीच में भी लगा के खा सकते हैं या कैसे भी खा सकते हैं। तो दोनों को इसी तरीके से काट लेते हैं। तो यहाँ हमारी दोनों चीज स्लाइस भी तैयार हैं और ये हमारी ब्रेड भी रेडी है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रेडों के बीच में एक एक ऑमलेट रखेंगे, चीज स्लाइस रखेंगे और फिर से एक एक ब्रेड रखेंगे। तो ये देखिए, ये टोस्ट हमारे बनके रेडी हैं। तो हल्का सा पैन गरम कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से सेक लेंगे, जिससे कि जो हमारी चीज़ है वो हल्की सी मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, ये हमारा सिक चुका है, निकाल लेते हैं प्लेट में। तो जब भी आपको भूख लगे फटाफट 5 मिनट में आप ये टोस्ट बना के खा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। और नीचे कमेंट लिख के बताएं आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और आज की वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाना ना भूलें।
और मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार फिर से कहना चाहूंगी, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।